UK24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है कुछ मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 3 गांवों को बनाया हॉटस्पॉट। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है, शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैल रहा है। वहीं रामनगर शहर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, इससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने राहत की सांस ली थी। वहीं आंकड़े शहर में तो कम हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग ने 3 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बनाया है। बैनर लगाकर कर रहे थे शराब की तस्करी, 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है, इसके बावजूद लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोविड कर्फ्यू के दौरान शराब ठेकेदार दुकानें बंद होने के बावजूद अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को महंगे दामों पर शराब बेच रहे हैं। राजधानी में पुलिस ने सेवा दल की गाड़ी में शराब की डिलीवरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग भागने में कामयाब रहे। फिर बोले आदर्श बाबा, किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। बाबा रामदेव का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो उस वक्त का है जब बाबा अपने देश भर के उद्योगों से जुड़े पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान बाबा यह कहते सुनाई दिए कि किसी के बाप में दम नहीं है जो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो उन, 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 उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महा ठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते चलाने दो, तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर में कंपनियों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, अंतिम तिथि बढ़ी। प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने विदेश से वैक्सीन मंगवाने का फैसला लिया था। इसके लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किए गए ग्लोबल टेंडर में किसी कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिससे सरकार के प्रयासों को एक झटका जरूर लगा है। हालांकि सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, सरकार के ग्लोबल टेंडर के समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। इस मैक के साथ दंपति गिरफ्तार, 3 तस्कर भी गिरफ्तार, बाइक चोरी करने वाला गिरोह भी चढ़ा हत्थे। पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर की ओर से चलाई जा रही नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 56 ग्राम स्मैक के साथ दंपति समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उधर विभिन्न अस्पतालों के बाहर से तीमारदारों की बाइक चोरी करने वाला एक गिरोह भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही के बाद नशा तस्करों और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। 40 साल के अधेड़ से करा दी 13 साल की लड़की की शादी, ऐसे हुआ खुलासा। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र के खानपुर गांव की एक 13 साल की नाबालिग की शादी 40 साल के व्यक्ति से करा दी गई। लड़की की ताई की तहरीर पर पुलिस ने लड़की के पिता, मां और पति पर बाल विवाह अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया है। दौलतपुर डकैती कांड, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 अन्य की तलाश जारी। हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में बीते दिन हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद मामले का खुलासा किया। कोरोना किट में शामिल होगी आयुष 64 टैबलेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद कोरोना की आयुष मेडिकल किट में शामिल होने वाली नई टैबलेट आयुष 64 को जल्द ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वितरित करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित दवा कंपनी को डिमांड दी जा चुकी है। ऐसे में जल्द ही आयुष 64 टैबलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते ही तत्काल वितरित की जा रही आयुष किट में शामिल कर लिया जाएगा। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की। बिस्सी विधायक ने फिर उत्तराखंड पुलिस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, सीएम तीरथ को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश के बिस्सी के विधायक पंडित राधा कृष्ण शर्मा ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत और डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर प्रदेश पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। पत्र में विधायक ने पुलिस पर उत्तराखंड से यूपी रेत बजरी ले जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। बेवजह सड़कों पर निकले तो पकड़कर लिए जाएंगे सैंपल, मोबाइल वैन से टीकाकरण करने के निर्देश।
प्रदेश कोरोना वायरस से कराह रहा है, इसके बावजूद भी कई लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। आलम तो ये है कि कई लोग कोविड कर्फ्यू में भी बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे। अब बेवजह घूमने वालों के पकड़ कर सैंपल लिए जाएंगे। इस बाबत डीएम ने टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए मोबाइल वैन भेजकर टीकाकरण करवाने को कहा गया है। ट्रक चालक गुलफाम पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। रुद्रपुर में 24 मई की रात में ट्रक चालक गुलफाम पर फायरिंग और धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद कर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। सीएम के वर्चुअल उद्घाटन में मंत्री के सामने सोशल डिस्टेंसिंग तारता। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 30 बेड के नए आईसीयू वार्ड का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान श्रीनगर में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य सीएमएस रावत, एमएस बेस अस्पताल डीएम पौड़ी सहित मेडिकल कॉलेज के कर्मी भी मौजूद रहे। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। एक छोटे से आईसीयू वार्ड में जहां सिर्फ बेड होते हैं वहां 12 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। देहरादून में डेंगू रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के बीच अब डेंगू ने भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित दिखाई दे रहा है। विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम को लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यही नहीं, चिकित्सा अधिकारियों को भी जिले में डेंगू डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। कपकोट में 40 पेटी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। बागेश्वर में कोरोना काल में भी अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में दो शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। मौके पर आरोपियों के पास से 40 पेटी शराब की खेप बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार वालों के लिए जरूरी खबर, अनाज नहीं मिले तो यतीश्वरानंद को इन नंबरों पर करें फोन। हरिद्वार ग्रामीण के विधायक और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने फेसबुक पर फोन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा वो इन नंबरों पर उन्हें फोन करें, वो मदद करेंगे। दवा लेने गया था युवक, पुलिस ने काट दिया हजारों का चालान। खबर अल्मोड़ा से है। वैसे तो कोरोना काल में पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन अल्मोड़ा पुलिस का एक चालान खासी चर्चाओं में है। एक युवक का 16,500 रुपए का चालान कर दिया गया। युवक ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। न्याय के लिए गोलू देवता मंदिर में फरियाद भी कर डाली। यह चालान सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है। गांव में फिर टूटा कोरोना बम, इतनों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कंटेनमेंट जोन घोषित। लक्सर से बड़ी खबर है। जी हां, बता दें कि लक्सर के खानपुर ब्रह्मपुर गांव में एक सप्ताह बाद आज फिर कोरोना बम फूटा। गांव में आज फिर 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गली मोहल्लों में घास लेकर घूम रही युवाओं टोली गौवंश का बने सहारा। कोविड कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते बाजार बंद हैं। ऐसे में शहर में घूमने वाली गाय और आवारा जानवरों के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया, जिसको देखते हुए हल्द्वानी की एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था जानवरों के चारा पानी की व्यवस्था के लिए सामने आई है। कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार करने पहुंची टीम पर किया ग्रामीणों ने पथराव, मौके पर बुलाई पुलिस फोर्स। खबर पिथौरागढ़ से है। कोरोना काल में लोग खासे परेशान हैं। इस कोरोना के दौर में जहां कुछ लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग सारी सीमाएं लांग रहे हैं। जिले के तीतरी और सियालतड़ के ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। शव पहुंचते ही ग्रामीण लाठी डंडे लेकर शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। मृतक के परिजनों की मार्मिक अपील पर भी ग्रामीण नहीं माने। आखिर टीम को दूसरे घाट पर अंत्येष्टि करनी पड़ी। तहसीलदार कनाली छीना ने अस्कोट पुलिस को पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। किसान आंदोलन के 6 महीने आज पूरे, राज्य के किसानों ने मनाया काला दिवस। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रही किसान आंदोलन के 6 महीने पूरा होने के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने से नाराज उत्तराखंड के किसानों ने आज बुधवार को काला दिवस मनाकर विरोध जताया है। रांची में, राजधानी देहरादून, उधम सिंह नगर जिले में और ऋषिकेश में किसानों ने अपना विरोध दर्ज किया। पुलिस पर हाथ और पैरों में कीले ठोकने का आरोप। एसएसपी ने कहा बिना मास्क लगाए घूम रहा था युवा। यूपी पुलिस का एक और अमानवीय चेहरा सामने आया है। बरेली के थाना बारादरी के जोगी नवादा में मास्क न पहनने पर एक युवक के हाथ और पैरों में कीले ठोकने का आरोप पुलिस पर लगा है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाले रंजीत के हाथ और पैर में कील ठुकी हुई मिली। बुधवार को वह थाने पहुंचा।